क्या हुआ जब एक 13 साल की लड़की को याद आया अपना पुनर्जन्म और वो पहुंची अपने पहले घर। मुंह पर थे कई चोटों के निशान। इस सत्य चमत्कारी घटना की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, बात है सन 2001 मध्य प्रदेश के जबलपुर की। पुष्पा और गौरव नाम के एक दंपत्ति के घर पर पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम आराध्या रखा गया। परंतु आराध्या को भगवान ने एक बहुत बड़ी कमी के साथ इस धरती पर भेजा था। वो न तो बोल सकती थी और न ही सुन सकती थी। जन्म से ही उसके चेहरे पर बहुत सारे चोट जैसे निशान थे। सभी लोग उन्हें बर्थ मार्क कह रहे थे, परंतु उनके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, आराध्या के माता पिता ने उसे उसी रूप में स्वीकार करा। वे उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आराध्या भले ही सुन और बोल नहीं सकती थी, परंतु वो पढ़ाई में बहुत तेज थी और हर कक्षा में अव्वल आती थी। परंतु पता नहीं क्यों उसे ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो ऊंचे झूले में भी नहीं बैठ पाती थी और घर की छत पर भी ज़्यादा समय तक वो नहीं रुकती थी, जिसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य था जिससे सभी लोग अनजान थे। परंतु आराध्या जब 13 साल की हुई तो उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया। आराध्या जब 13 वर्ष की थी तो उसके छोटे भाई ने मस्ती मजाक के इरादे से आराध्या को बाहर बालकनी में ही छोड़कर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। और जब उसने ऊपर बालकनी से नीचे जमीन को देखा तो उसका दिमाग पूरी तरह से घूम गया, क्योंकि उसे ऊंचाई से बचपन से ही डर लगता था। कुछ समय बाद वो सर पकड़कर उसी स्थान पर बेहोश हो गई, जिसके बाद पुष्पा और गौरव ने उसे वहां से बाहर निकाला और डॉक्टर को बुलाया। अब तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद आराध्या को होश आया और वो बहुत ही ज़्यादा पागलों जैसी हरकतें करने लगी। वो सभी लोगों को इशारों में कुछ समझाना चाहती थी। वो बोलना भी चाहती थी, परंतु गूंगी होने की वजह से वो किसी से कुछ बोल नहीं पा रही थी। और जब उसका पागलपन हद से ज़्यादा बढ़ गया, तब उसके माता पिता ने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो गूंगे और बहरे लोगों की भाषा समझने में एक्सपर्ट होते हैं। तब उस व्यक्ति ने आराध्या के माता पिता से कहा कि ये आप लोगों से कुछ कहना चाहती है, जिसके बाद आराध्या इशारों के माध्यम से समझाती रही। एक्सपर्ट का कहना था कि यह कह रही है इसका नाम आराध्या नहीं बल्कि अर्चना है और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रहती है। और उसका यह भी दावा था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि पिछले जन्म में उसके माँ बाप की बहुत जल्द ही मृत्यु हो गई थी और उनके हक की आधी जमीन मेरे नाम पर थी, जिसे हड़पने के लिए मेरे चाचा चाची ने एक दिन मौका पाकर मुझे बालकनी से नीचे धक्का दे दिया, जिसके बाद मेरी मृत्यु हो गई। परंतु अब मैं पुनः आ गई हूँ और आराध्या के रूप में अपनी हत्या का बदला उनसे लेकर रहूँगी। इस सच को सुनने के बाद उसके माता पिता को ये पता चला कि आखिर इसे बचपन से ऊंचाई से डर क्यों लगता है, जिसके बाद वे लोग उन्हीं एक्सपर्ट को साथ लेकर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर पहुँचे। बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि आराध्या इशारों इशारों में सभी लोगों को असली पते तक ले गई थी। और जब वो उसके पहले घर पहुँची तो उसने देखा कि उसके चाचा चाची उसके हक की जमीन जायदाद पर ऐशो आराम कर रहे थे और पिछले जन्म की उसकी हत्या को उन्होंने एक्सीडेंट करार दे दिया था, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां जाकर उसने कुछ ऐसे सबूत पेश किए जिससे साफ साफ पता चल गया कि उसके चाचा चाची ने पिछले जन्म में उसकी हत्या की थी और वो उसकी जमीन जायदाद हड़पना चाहते थे। ये महादेव की कृपा ही थी कि आराध्या को उसके पिछले जन्म की एक एक बात बहुत अच्छी तरह से याद थी,
जिसके बाद उसके चाचा चाची को जेल भेज दिया गया। परंतु कोर्ट इन पुनर्जन्म की घटनाओं पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए उनकी जो जमीन जायदाद थी वो आराध्या के नाम पर नहीं हो पाई और वो एक समाज सेवा करने वाले ट्रस्ट में दान स्वरूप दे दी गई। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है और क्या पुनर्जन्म सच में होता है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि 1 मिलियन का आंकड़ा हम जल्द ही छू सके। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।